अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुशी मकबूल आज आपके लिए बहुत ही खूबसूरत क्यूट क्यूट से बेबी के बेल बॉटम ट्राउज़र डिज़ाइनिंग लाई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। इजी मेथड के साथ कटिंग और स्टिचिंग होने वाले डिज़ाइन हैं। इनमें से काफ़ी ज़्यादा आपको सिंपल नज़र आएंगे, कुछ बेल बॉटम नज़र आएंगे, कुछ आपको अम्ब्रेला कट नज़र आएंगे। हर स्टाइल का आपको इसमें ट्राउज़र नज़र आएगा, क्योंकि ये बेबीज़ पर बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अगर आपको इनकी कटिंग और स्टिचिंग भी सीखनी हो तो आप हमारे चैनल में सीख सकती हैं। इनमें जितनी भी आप डिज़ाइनिंग देख रही हैं इस वीडियो में, आपको इन तमाम की कटिंग और स्टिचिंग इजी मेथड के साथ आपको मेरे चैनल में मिलेगी। बड़ी बेबीज़ की भी, छोटी बेबीज़ की भी, गर्ल्स की भी मेथड सेम होता है, सिर्फ लेंथ का फ़र्क होता है। डिज़ाइनिंग बनाने का तरीका एक ही जैसा होता है, बड़ों का भी और छोटे बच्चों का भी। तो व्यूवर्स, मैं आपसे ये बात ज़रूर कहूँगी, ईद आने वाली है, स्पेशली ईद पर अपने बेबीज़ के प्यारे प्यारे से बॉक्स प्लेटेड बेल बॉटम ट्राउज़र, अम्ब्रेला कट बेल बॉटम, प्लाजो, जो भी आपको अच्छा लगता है अपने बेबी के लिए, आप उसकी कटिंग और स्टिचिंग मेरे चैनल में ज़रूर देखिए और फ़ायदा हासिल कीजिए। क्योंकि आप चाहती हैं आपके बेबी सब में अच्छे लगें, मुनफरिद लगें, तो आप मुख्तलिफ कलरों के बेल बॉटम ट्राउज़र, जो भी आपको ड्रेस अच्छा लगता हो, आप मुख्तलिफ कलरों के सिंपल सिंपल से फैब्रिक के अपनी बेबीज़ के चंद ऐसे ट्राउज़र बना लिया करें, जो कि बच्चियों पर टॉप के साथ बहुत ही प्यारे लगते हैं। और समर सीज़न में तो हमारी बेबीज़ को ड्रेसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इस टाइप के ड्रेसेस पहने हुए छोटी बेबीज़ पर बहुत खूबसूरत लगते हैं। व्यूवर्स, इनको देखकर आप अंदाज़ा कर सकती हैं, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इनके पैंटी के नीचे के पोर्शन में जो भी आप डिज़ाइनिंग करना चाहती हैं अपनी मर्ज़ी से कर सकती हैं, बॉक्स प्लेट के साथ, नाइफ प्लेट के साथ, सिंपल प्लेट्स के साथ, गैदरिंग कर हाथ की प्लेट्स देकर, और इस तरीके से आप इसमें कफ़ वगैरह लगा भी सकती हैं। नीचे की साइड आप अम्ब्रेला कट भी लगा सकती, वन अम्ब्रेला कट, टू अम्ब्रेला कट, थ्री अम्ब्रेला कट, इस तरीके से आप बेबीज के जो पाइचे होते हैं उसमें हर तरह की डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। ये देखिए व्यूवर्स, ये डबल अम्ब्रेला कट है, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये सिंपल फ्लेयर है, इसमें हल्की हल्की सी प्लेट्स हाथ की मदद से दे दी गई हैं, बहुत ही आसान है। और ये बेल बॉटम शेप का है, इसकी कटिंग स्टिचिंग भी आप हमारे चैनल में देख सकती हैं, बहुत ही ईजी मेथड के साथ। इस तरीके से भी आप ट्राउज़र में छोटी छोटी सी प्लेट्स यानी कि डोरी वाली इलास्टिक से भी देख सकती हैं। सिंपल इलास्टिक को अंदर की तरफ पाइचे में रखकर दो तीन लाइनें लगा लेंगी तो आपकी बेबी का पाइचा बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र वाला बन जाएगा। और इस तरीके से रफल भी लगा सकती हैं बेल बॉटम के नीचे, आप इस तरीके से बॉक्स प्लेट वाले पाइचे भी बना सकती हैं। हर स्टाइल आपको मिल जाएगा हमारे चैनल से। अगर आप हमारे चैनल का विज़िट करेंगी तो आपको इतने ईजी मेथड के साथ कटिंग और स्टिचिंग मिलेगी कि आप खुद कहेंगी बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो व्यूवर्स, अगर आपको कटिंग स्टिचिंग का थोड़ा सा भी शौक है तो आप प्लीज़ अपने बेबीज़ के इस तरह के बहुत ही प्यारे प्यारे से ट्राउज़र बनाइए। तमाम डिज़ाइनर ट्राउज़र बहुत ही खूबसूरत हैं और स्पेशली ईद के दिनों में इस टाइप के ड्रेसेस बहुत प्यारे लगते हैं। अगर आपको सिंपल बनाने हो तो बहुत ही अच्छा, अगर आप चाहती हैं प्रिंटेड आपको पसंद है, आप प्रिंटेड भी बना सकती हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत ही खूबसूरत कॉटन फैब्रिक, लोन फैब्रिक आ चुका है। छोटे छोटे से प्रिंट लेकर आप अपने बेबीज के इस टाइप के बेल बॉटम ट्राउज़र डिज़ाइनिंग बना सकती हैं। ये देखिए व्यूवर्स, ये ट्राउज़र बेल बॉटम टाइप का, गरारा टाइप का ट्राउज़र बहुत ही प्यारा लग रहा है। प्रिंटेड और सिंपल अपनी जगह अच्छा लग रहा है और प्रिंटेड अपनी जगह। ये सिर्फ आइडियाज़ वीडियोज़ होती हैं, हमारे व्यूवर्स को हम इस तरह के आइडियाज़ देते हैं ताकि वो घर बैठे इस टाइप की डिज़ाइनिंग को देखकर फ़ायदा हासिल करें, अपने बेबीज़ के प्यारे प्यारे से डिज़ाइन स्टिच करें। सेम यही वाला बेल बॉटम आप हमारे चैनल में देख सकती हैं, बॉक्स प्लेट बेल बॉटम। हर तरह के स्टाइल में आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी मेरे चैनल में,
कटिंग स्टिचिंग के साथ साथ डिज़ाइनिंग भी, क्योंकि मेरा चैनल कटिंग और स्टिचिंग का भी है और डिज़ाइनिंग का भी है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। दुआ में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।